अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक नदीम, आपका कोच। स्पायर सॉफ्टवेयर को लेकर आपके साथ हूं। आज हम स्पायर सॉफ्टवेयर के ऊपर एक डोर का डिज़ाइन बनाएंगे। डोर का डिज़ाइन 2D में होगा और उस 2D को कम्प्लीटली हम लोग स्पायर की मदद से ड्रा करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको 2D जो टूल्स हैं उनके ऊपर अच्छी ग्रिप दे सकूँ। स्टार्ट लेते हैं हम। क्रिएट अ न्यू फाइल, नई फाइल क्रिएट करेंगे, इंचज में हम काम कर रहे हैं। आमतौर पे जो हमारे डोर्स होते हैं उनका साइज़ होता है 3.5 फीट। 3.5 फीट अगर आप लिखेंगे तो उसको आप कन्वर्ट कर लें इंचज में। इंचज में कन्वर्ट करना, वैसे तो आपको इन चीज़ों का सारा इलम है। 3.5 × 12, तो ये आपके पास 42 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं उसको 42 इंच ऐड करता हूँ। इसी तरह से उसकी हाइट के हवाले से अगर हम बात करें तो अमूमन 7 फीट या 7.5 फीट का डोर रखा जाता है। इट्स अप टू यू कि आपके पास कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या आ रही है। तो मैं यहाँ पे इसको 7.5 फीट के हिसाब से करूँगा। 7.5 × 12, ये हमारे पास 90 इंच आ गया। यहाँ पर मैंने उसकी हाइट जो है वो 90 इंच तक दे दी। थिकनेस, चूँकि डोर है ये आमतौर पे डबल बना होता है, लेकिन मैं इसको फिर भी 0.75 इंच के साथ करना चाहूँगा। मटेरियल सरफेस इसकी टॉप पे रखी, और यहाँ पे जो उसका डिज़ाइन जो डेटम है उसका एक्स वाई डेटम पोजीशन, वो मैंने उसके लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे रख दी। और इस तरह से ये जो मैंने मॉडलिंग रेजोल्यूशन के बारे में आपको बताया था, इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, हाई पर रख लेते हैं, और इसको जो कलर है डोर का कलर जो है उसको बीच डार्क पे मैं छोड़ता हूँ, और ये ओके किया। नाज़रीन, जो इस पर डिज़ाइन करना है, दो सूरतें हैं। आमतौर पे कस्टमर आपको पिक्चर दे देता है या फिर कोई स्केच दे देता है। तो अभी मेरे पास एक पिक्चर मौजूद है, मैं उस पिक्चर की मदद से आपको उसका डिज़ाइन ड्रा करना बताऊँगा। फाइल ऑपरेशंस के अंदर यहाँ पर आपके पास फाइल मौजूद है, इंपोर्ट बिट मैप। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, फाइल में आके यहाँ से इंपोर्ट बिट मैप भी कर सकते हैं। ये हमारे पास इंपोर्ट बिट मैप का ऑप्शन मौजूद है। जैसे इंपोर्ट बिट मैप पे जाएंगे तो पिक्चर्स के अंदर हमने यहाँ पर एक डोर का डिज़ाइन जो है वो रखा हुआ है। मैं आपके सामने उसको लेके आऊँगा ताकि हम उसके ऊपर फर्दर काम कर सकें। जैसे मैंने उस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट किया तो ये फाइल जो है बहुत ही छोटे साइज़ में इंपोर्ट हुई। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे स्केल की मदद से इनलार्ज कर सकते हैं, या फिर आप इसको ट्रांसफॉर्म मोड पे लें और अपनी मर्जी से इसको बड़ा कर लें। ये देखें, ये मैंने इसे बड़ा किया। ज़रूरी नहीं है कि आप 100% उसको ट्रेस करने बैठ जाएँ, नहीं, बिल्कुल आप इस मामले में कम्फर्टेबल रहें। आप अपनी मर्ज़ी से इसको देख के भी ड्रॉ कर सकते हैं। डोर का साइज़ जैसे मैंने आपको बताया, आप अगर इसको बाद में एडजस्ट करना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे सेट जॉब डायमेंशन एंड ओरिजिन मौजूद है। आप यहाँ से भी आके इसके डोर के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। सपोज़ ये जो आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मेन डोर है जिसके साथ एक छोटा पैनल है और एक बड़ा पैनल है। तो आप इसको 3.25 की बजाय या 3.5 की बजाय आप इसको 4 फिट पर भी रख सकते हैं। मैं सपोज़ मैं इसको यहाँ पे एडिट करने की प्रैक्टिस आपको दे रहा हूँ, 48 इंच मैंने किया, ताकि आप जब एक दफ़ा जॉब का साइज़ सेट कर लें दोबारा भी उसको सेट कर सकें। तो यहाँ पे देखें उसका साइज़ चेंज हो चुका है। नाज़िन, नॉर्मली ये जो डोर हमारा बनता है, डोर का जो फ्रेम है वो 4 इंच का रखा जाता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे रेक्टेंगल एक लूँगा। रेक्टेंगल को ड्रा करने के लिए आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप का सहारा ले सकते हैं। ये देखें, मैंने जैसे ऑब्जेक्ट स्नैप के यानी ऑब्जेक्ट के पास गया तो उसने उसकी स्नैप ऑटोमेटिकली ली और उसको उसके साथ एडजस्ट किया, और ये हमारे पास रेक्टेंगल ड्रा हो गई। अब हमें इसके इन साइड पर यहाँ पर 4 इंच का ये वाला बॉर्डर चाहिए, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑफसेट एंड लेआउट के अंदर कमांड मौजूद है ऑफसेट की। आप ऑफसेट को लें, रेक्टेंगल आपका सेलेक्ट होना चाहिए, और इन साइड पे यानी इनवर्ड और लेफ्ट पे मैं उसको लेके जा रहा हूँ, और यहाँ पे उसको मैं वैल्यू पुट करूँगा 4 इंचेस की। तो
ये नीचे तीन ऑप्शन है, क्रिएट शार्प ऑफसेट कॉर्नर, डिलीट ओरिजिनल एंड सेलेक्ट न्यू। तो अभी यहाँ पे हमें किसी भी फीचर को एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने उसे ऑफसेट किया, तो ये देखे उसने इन साइड पर उसको 4 इंच के मुताबिक ले लिया। अगर आप फील करते हैं कि 4 इंच छोटा है, आप इसको 5 इंच तक करना चाहते हैं, तो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे इसको वैल्यू और दें और ये वाला जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया था इसको डिलीट कर दें। तो वो जो पैनल आपने सेलेक्ट किया, बॉर्डर जो सेलेक्ट किया, वो 5 इंच का हो गया। इसी तरह से आप इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। मैं इसे क्लोज़ कर सकता हूँ, मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे जो उसका इन साइड पर डिज़ाइन है उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। अब ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा साइज़ कहाँ पे कैसा रखना है। हमने यहाँ पे मैं रेक्टेंगल एक ड्रॉ करता हूँ और अब थोड़ा सा फ्री फॉर्म में काम करते हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की, एरो कीज की मदद से आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं या इसको अलाइन की मदद से भी कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इसका साइज एडजस्ट करना चाहूँगा। आप आ जाएं सेट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट साइज में और यहाँ पे उसकी विड्थ, अब मैं यहाँ पे विड्थ उसकी 4 इंच करता हूँ और ये उसकी साथ ही हाइट है। अगर मैं उसकी विड्थ चेंज करूंगा तो हाइट ऑटोमेटिकली उसके साथ अपडेट हो रही है, बिकॉज के लिंक एक्स वाई हुए हुए हैं, यानी लिंक एक्स वाई का जो फीचर है वो एक्टिव हुआ हुआ है। आप इसको अनचेक करें, फिर आप दोनों के साइज अलग अलग से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये उसका साइज चेंज किया और अप्लाई कर दिया, ये देखें उसने साइज छोटा किया। आप इसको ऐसे मैनुअल पकड़ के भी बड़ा कर सकते हैं, ये देखें यहाँ से भी, लेकिन इसको ओवरलैप करवा दें। इसी तरह से इस साइड पे हमने 4 इंच का ये बॉर्डर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। इस रेक्टेंगल की यहाँ पर आप एक कॉपी ले लें, ये मैंने कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल वी के साथ इसको किया, और आपने इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए इसे घुमा देना है। आल्ट होल्ड करें, वो आपको एंगल पे भी स्नैप प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद इसको इस पॉइंट से मैंने पकड़ा और आल्ट को ही होल्ड, सॉरी शिफ्ट को होल्ड करेंगे तो दोनों साइडों पे इक्वल उसका साइज रिड्यूस कर देगा। अब यहाँ पे हमारी ज़रूरत ये है कि हम इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को आपस में अलाइन कर लें। देखिए शिफ्ट के साथ इस ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट करें और फिर बाहर वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, और यहाँ पे हमारे पास अलाइन का ऑप्शन मौजूद है, अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो मैं इसे क्या कहता हूँ, अलाइन टू मटेरियल, यानी जो आपका ये कैनवस एरिया है या जो आपने नीचे बोर्ड का साइज जो डिफाइन किया हुआ है, ये उसके साथ सारे ऑब्जेक्ट को सेंटर कर देगा। सेंटर करने के बाद मैं वापस आता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास इसको ट्रिम करने के दो ऑप्शन हैं, एक कि आप यहाँ पे ट्रिम टूल यूज़ कर लें, ये जो सीजर का साइन बना हुआ है, दूसरा आप यहाँ से इसको सबट्रैक्ट कर सकते हैं। आप अगर सबट्रैक्ट के साथ करना चाहें तो भी कोई मुश्किल नहीं है। आपने जिस ऑब्जेक्ट को बचाना है उसको पहले सेलेक्ट करें, जिसकी मदद से आपने सबट्रैक्ट करना है उसको बाद में सेलेक्ट करें, और ये देखें सबट्रैक्ट हो गया। इसी तरह से मैंने इस ऑब्जेक्ट को बचाना है और इसकी मदद लेनी है तो उसको बाद में सेलेक्ट किया, और ये आपके सामने ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। इसी तरह से मैं अब दूसरा फीचर आपको बताने जा रहा हूँ, ये देखिएगा, मैं वापस अंडू कर दिया सारे को। ये मैंने जो पहले फीचर बताया वो बहुत ही आसान था, लेकिन अभी आपको मैं ट्रिम का फीचर देना चाह रहा हूँ। आप ट्रिम की मदद से इन ऑब्जेक्ट को यहाँ से ट्रिम करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बड़ा आपको क्लोज जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये मैं क्लोज गया इसके, ये देखें बहुत आसान है ये भी, जिस पे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए वही बेहतर होता है। तो ये हमने उसके 4 पैनल जो है वो यहाँ पे बना लिए। अब इसको इन साइड पे ये वाला डिज़ाइन देना चाहते हैं, तो उसके लिए वापस हमें रेक्टेंगल पे ही जाना होगा। ये मैंने उसका मिड पॉइंट लिया और यहाँ से आल्ट होल्ड किया। देखिएगा पहले मैंने जब रेक्टेंगल स्टार्ट की थी तो इस तरह से एक साइड पे रेक्टेंगल जा रही थी, जो कि आप किसी भी साइड पे बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस दौरान ही आल्ट प्रेस किया तो वो तमाम साइडों पे जाना शुरू हो गई। अब इस दौरान अगर आप साथ कंट्रोल भी प्रेस कर लेंगे तो वो इक्वल चारों इजला के साथ रेक्टेंगल ड्रॉ हो रही होगी। तो मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, जिसका साइज आप साइडों पे अगर देखना चाहें तो आपको साइज भी थोड़ा सा मिल रहा है। आप इसको बिल्कुल यहाँ पे इसके ऊपर परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे साइज सेट में आए और इसका जो भी साइज रखना चाहें, स्पेसिफिक
एक्सपोज में इसको 2 फिट का रखना चाहता हूँ, इसको भी 2 फिट कर दें और अप्लाई कर दें। अब अप्लाई करने के बाद हमारी ज़रूरत है इसको रोटेट करवाना, तो रोटेट करवाना एक तो आप यहाँ पे इसके एंकर से करवा सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पे भी इसको रोटेट करवा सकते हैं, यानी मैं इस ऑब्जेक्ट को मिड से 45 डिग्री पे रोटेट करवाना चाहता हूँ। तो ये देखें आपके सामने उसने उसको 45 डिग्री पे रोटेट कर दिया। 45 डिग्री पे रोटेट करने के बाद अब आप फील कर सकते हैं कि इसके साइजेस कैसे हैं, जो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसके मुताबिक इसको थोड़ा बड़ा या छोटा करना चाहें तो आपके पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आप लिंक एक्स वाई को कर लें ताकि दोनों वैल्यू एक जैसी हो। मैं यहाँ पे इसको 30 कर सकता हूँ। अब देखिए पहले साइज इसका और था, अब उसको जब मैंने 45 डिग्री पे रोटेट करवाया तो उसका साइज थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया, क्योंकि अब उसका साइज अक्रॉस कॉर्नर है, पहले अक्रॉस फ्लैट था, अब अक्रॉस कॉर्नर पे आ गया। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट हमारे सामने आया, अब मैं यहाँ से फिर इसका ऑफसेट लूंगा इन साइड पे, और ये ऑफसेट लिया, ये 5 का है, मैं अंडू करता हूँ इसको 4 पे, ये इन साइड पे ऑफसेट किया और हमारे पास ये वाली चीज जो है वो सामने आ गई, ये डिजाइन हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पे फिर वही वाला तरीका कर जो हमने पहले बनाया था, आप सब्ट्रैक्ट कर लें या फिर ट्रिम कर लें, लेकिन यहाँ पे आप अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ ये 2 रेक्टेंगल या 1 रेक्टेंगल आपकी यूज हो जाएगी, फिर दूसरे के लिए आपको दोबारा से रेक्टेंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट वे ये बनता है कि आप ट्रिम की कमांड यूज करें। जैसे कि मैं यहाँ पे ये ट्रिम किया, इसको ट्रिम करें, थोड़ा सा क्लोज आ जाए, ये ट्रिम कर लें, ये देखें आपके सामने तमाम एजेस को ट्रिम कर दिया। राइट क्लिक करके मैंने कमांड को ख़त्म किया और फिर इन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे रिमूव किया मैंने एक्स्ट्रा मटेरियल को, ये ट्रिम की हमारे कुछ लाइंस रहती हैं, आप इनको भी यहाँ पे ट्रिम कर लें। तो इस तरह से ये आपके पास 2D पैनल जो है वो डिज़ाइन हो गया। डिपेंड करता है आप इस डिज़ाइन को अगर कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई इसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो आप बआसानी कर सकते हैं। यहीं पे रहते हुए अगर आप चाहें कि ये जो साइडों का बॉर्डर है वो मैं बड़ा करना चाहता हूँ, नो प्रॉब्लम, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बआसानी इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखिएगा मैं आपके सामने एक प्रैक्टिस आपको देता हूँ। मैंने इस तरह से इसको ड्रॉ किया और इसकी विड्थ को मैंने 7 कर दिया, हाइट की ज़रूरत नहीं है हमें चेंज करने की, मैंने इसकी विड्थ को 7 कर दिया। तो ये देखें यहाँ पे 7 विड्थ उसकी हो गई। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसी की कॉपी लें कंट्रोल सी कंट्रोल वी और इसको उठा के शिफ्ट होल्ड रखते हुए आल्ट होल्ड रखते हुए यहाँ पे ले आए और मैंने इसको इस ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट स्नैप किया और छोड़ दिया। फिर मैं कंट्रोल वी करता हूँ और इसको यहाँ पे छोड़ा एंड आल्ट की मदद से मैंने इसको रोटेट करवाया और इस एज के साथ शिफ्ट के साथ मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ। इसी तरह यहीं पे इसकी कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया और इसको यहाँ पे ला के इस एज पे छोड़ दिया। ये आपके पास ऑब्जेक्ट जो है ना ओवरलैप हो गए सारे। मैंने इस ऑब्जेक्ट को बचाना है और इसके साथ मैंने एक ये और फिर थर्ड पे मैंने ये ऑब्जेक्ट पकड़ा और इनको ट्रिम कर दिया। ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये दोनों मैंने बचाने हैं और वो जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होगा वो बेसिकली उसकी ट्रिमिंग का सोर्स बनेगा। ये देखिए जैसे भी ट्रिम हो गया। इसी तरह से फिर मैं ये 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, थर्ड पे ये सेलेक्ट किया और इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये हो गया। इस तरह से 2 ऑब्जेक्ट पकड़े, थर्ड पे इसको पकड़ा और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। तो इस तरह से आप डिज़ाइन को अपनी मर्जी से इसमें ट्रिम कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन आप इसमें कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे।
टूल्स की भी आपको समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल है। हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह, अगली वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।